नमस्कार दोस्तों, आप देख रही हैं वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रशांत शर्मा। भारत बनाम वेस्टइंडीज़ के बीच तीन T20 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा है। आज टॉस वेस्टइंडीज़ के कप्तान कायरन पोलार्ड ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, यानी कि आज भारत को पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज़ को लक्ष्य देना है। लेकिन आज जिस तरह से भारतीय टीम ने शुरुआत की है, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले ओवर में भारतीय टीम को बड़ी साझेदारी की ज़रूरत है, क्योंकि भारतीय टीम ने ईशान किशन के रूप में अपना पहला विकेट जल्दी गंवा दिया है। आपको बता दें कि ईशान किशन आज एक बार फिर से बड़ी पारी खेलने में असमर्थ रहे, क्योंकि ईशान किशन खराब शॉट खेलते हुए आउट हो गए। ईशान किशन ने आज अपनी पारी के दौरान 10 गेंदों का सामना किया और मात्र 2 रन बनाकर आउट हो गए। जिस तरह से वे पिछले कई मैचों में प्रदर्शन कर रहे हैं, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वे जल्द ही अपना स्थान भारतीय टीम से गंवा देंगे। बता दें कि पिछले मैच में ईशान किशन ने 42 गेंदों का सामना करते हुए 35 रन बनाए थे। उन्हें पहले मैच में भी अच्छी शुरुआत मिली थी, जिसका फायदा किशन नहीं उठा पाए थे और आज भी सस्ते में अपना विकेट गंवा कर आउट हो गए। अब देखना होगा कि भारतीय टीम कितना जल्द ही इस विकेट से उभर पाती है। बाकी की तमाम खबरों के लिए अब बने रहिए वन इंडिया के साथ।